देश भर में लॉकडाउन में विस्तार के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। कोरोना संकट के दौरान ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी ने देश के लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर लोगों से 2 गज की दूरी के नियमों में जरा भी ढील ना बरतने की अपील की। अब चल पड़ा है, खुल गया है, ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान होने वाले इनोवेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस समस्या की घड़ी में मेरे प्यारे देशवासियों ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए। मेरे प्यारे देशवासियों, एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन। तमाम देशवासी, गांवों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो, और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पीएम मोदी हर महीने के रविवार को देश की जनता को संबोधित करते हैं और ये 65वीं बार पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम संबोधन किया है।